कल मंत्री पद की शपथ ली और आज इस्तीफा। I, सुरेश गोपी, do swear in the name of God. मोदी 3.0 का पहला विकेट गिरा। Discharge my duties as a minister of state for the union. बनते ही डगमगाने लगी मोदी सरकार। इतवार शाम को राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए ये हैं बीजेपी सांसद सुरेश गोपी। केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद को मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, लेकिन मंत्री बनते ही सुरेश गोपी अब इस्तीफा देना चाहते हैं। खबर है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी कैबिनेट में नहीं रहना चाहते। शपथ ग्रहण समारोह के बाद गोपी ने दिल्ली में मलयालम टीवी चैनल से कहा, मैं एक सांसद के रूप में काम करना चाहता हूं, मैं कैबिनेट का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। उन्होंने आगे कहा, मैंने पार्टी को बता दिया था कि मुझे इसमें यानी मंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लगता है कि मैं जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही गोपी ने कहा था कि वे फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक्टिंग उनका जुनून है, उनके पास पहले से ही कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। गोपी केरल से भाजपा के इकलौते सांसद है। उन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और सीपीआई के सुनील कुमार को करीब 75,000 वोटों से हराया है। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी को मंत्रिमंडल में जगह तो मिली, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक ही दिन में मोदी सरकार से उनका मोह भंग हो गया। जिस मंत्री पद के लिए कई लोग आस लगाए बैठे थे, वो मंत्री पद सुरेश गोपी को मिल तो गया, लेकिन वो मंत्री की कुर्सी पर बैठना ही नहीं चाहते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेश गोपी ने कहा है कि वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं और त्रिशूर की जनता के लिए एक सांसद के रूप में ही काम करना चाहते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये पूरा सच है? क्या मोदी के मंत्री के इस्तीफे की अटकलों के पीछे कोई बड़ी सियासी खींचतान तो नहीं है? मोदी तीसरी बार पीएम तो बन गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। मोदी 3.0 टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों के भरोसे पर ही चलेगी और इसी को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं आने वाले दिनों में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पर बड़ा खतरा तो नहीं आने वाला। फिलहाल मोदी कैबिनेट के पहले विकेट के गिरने की अटकलें हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी खबरें सुनाई दें। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।